नागालैंड के लोग इतने खूबसूरत और इतने प्यारे क्यों होते हैं? हमको नहीं पता। मजा आया। और कोई कुवारा लड़का अगर मेरी इस वीडियो को देख रहा है तो नागालैंड आके शादी कर सकता है क्या? उस कुवारे लड़के की शादी हो सकती है? Yeah, it's possible. और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। जब मेरा शादी होगा अपनी बीवी के लिए भाई साहब ऐसा वाला लेके जाऊंगा। क्या मिलवाते हैं आपको नागालैंड की खूबसूरत मोहतरमाओं से? Like, subscribe and share. Thank you. तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। हम फिलहाल है नागालैंड में और नागालैंड का एक खूबसूरत सा फेस्टिवल हम इंजॉय कर रहे हैं जिसका नाम है हॉर्नबिल फेस्टिवल। आज हमको यहाँ पे करीब 4 दिन हो गए हैं। 4 दिन हमने बड़े अच्छे से यहाँ पे बिताए, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया क्योंकि ये फेस्टिवल ही ऐसा है कि भाई अगर आप यहाँ पे आते हो आप फुल इंजॉय करने वाले हो क्योंकि यहाँ के लोग इतने खूबसूरत है, यहाँ का कल्चर इनका इतना खूबसूरत है कि आप पूरा इंजॉय करने वाले हो। एक ट्राइब में आया हूँ और इनका खाना यहाँ पे बन रहा है तो वो सब आपको दिखाऊंगा और उसके बाद हम यहाँ के लोकल लोगों के साथ बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोशन है। ओके, आप कहाँ से हो? हम कोहिमा से है। अच्छा, आप कोहिमा से हो, यानी कि आप कैपिटल से हो, नागालैंड की जो कैपिटल है आप वहाँ से हो। टिकट कितना है लोंगलिंग का? लोंगलिंग का इट्स 1600 लाइक दैट। सुमु में? सुमु में, या और एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा, नागालैंड के लोग इतने खूबसूरत और इतने प्यारे क्यों होते हैं? हमको नहीं पता। नहीं मतलब गॉड गिफ्ट है भाई। हाँ, क्योंकि हमारे जो नॉर्थ में है वो इजीली बात नहीं करते किसी के साथ और यहाँ पे एकदम फ्रेंडली होके बात करते हो आप लोग। और लोगों को भी हम इनवाइट करते हैं भैया कि वेलकम टू नागालैंड। आप भी कुछ बोलिए मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए। कोई नहीं बोलिए ना, थोड़ा थोड़ा हिंदी चलेगा। आप लोग भी नेक्स्ट टाइम आकर विजिट करो कोहिमा में। और कोई कुवारा लड़का अगर मेरी इस वीडियो को देख रहा है तो नागालैंड आके शादी कर सकता है क्या? उस कुवारे लड़के की शादी हो सकती है? हो सकती है। इट्स पॉसिबल। या इट्स पॉसिबल। अगर कोई नागा की लड़की अगर नॉर्थ इंडिया में शादी करने के इच्छुक है या कोई नहीं मैं तो बाद में करूंगा, बट कोई नॉर्थ इंडियन अगर नागा से शादी करना चाहता है तो भैया हॉर्नबिल फेस्टिवल बेस्ट ऑप्शन। यहाँ पे आ गए। मेरा तो गलत हो गया। यहाँ पे आप यहाँ पे आके आप अपने लिए कोई पसंद कर सकते हो भाई, मिल जाएगी है ना, हो जाएगा ना शादी, हो जाएगी। नहीं बता। ओके, थैंक यू सो मच। एंड लाइक और सब्सक्राइब के लिए बोल दीजिए प्लीज। खासकर मैम के लिए भाई, इन्होंने बहुत बात कर दी, बहुत हिंदी में बात की। हमको हिंदी नहीं बताया इसलिए हमारा हिंदी बहुत खराब है। I love your हिंदी, हमारा इंग्लिश बहुत खराब है। Sorry for that. Thank you. Yeah, sure. देखा भाई, इतने खूबसूरत और इतने प्यारे लोग होते हैं नागालैंड के। अभी चलते किसी दूसरी कम्युनिटी में, दूसरी ट्राइब में। दोस्तों अभी मैं एक ट्राइब में आया हूँ, आइए दीदी से पूछते हैं इनका ट्राइब का नाम है। फॉर्म ट्राइब। और आपके पास, इनके पास बहुत सारा फूड है इनके ट्राइब का, तो पूछते हैं क्या क्या है। तो दीदी क्या क्या है आपके पास? अनपत स्नेल ओ बीफ पिकल वर्क ओके ओके स्टिकी राइस ओके। एक्चुअली आप लोगों की समझ में तो आया नहीं होगा कि दीदी ने जो जो बोला है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि दीदी के पास क्या क्या फूड है और इनका किचन है। यहाँ पे लोग आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं। ऐसा जो नागा के लोग है ना, बहुत ज़्यादा मिर्च खाते हैं भाई। जो नागा चिली यानी कि गोश्त चिली जो है, वो वर्ल्ड की सबसे तीखी चिली है। ये लोग खाते हैं भाई, एक मिर्च को पूरा परिवार खा लेता है इनका, फिर भी इतने स्वीट होते हैं ना भाई, क्या बताऊँ। हमारे यहाँ के लोग मिर्च खाते भी नहीं है फिर भी इतने अकड़ू टाइप के होते हैं ना, यहाँ पे इतना तीखा खाते हैं फिर भी इतने स्वीट कैसे होते हैं यार। इट्स पॉसिबल। ये नागालैंड में मिलता है और ये मेरे घर पे भी है। और ये इन्होंने यहाँ पे चिकुल क्यूबी है और साथ में इनके कुछ लोकल्स। मैम इसका नाम क्या है? मिर्च इस चिली ओ इलायची ओके 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 4500 ओ माय गॉड इट्स वेरी कॉस्टली। जब मेरा शादी होगा अपनी बीवी के लिए भाई साहब, मैं इस वाले ऐसे मतलब सोने का नहीं बनाऊंगा, यहाँ पे ऐसा वाला लेके जाऊंगा। अभी मेरा शादी। हाँ, आपको हिंदी आता है थोड़ा थोड़ा? अच्छा, कोई माँ में तो बोलता है ना हिंदी। वाह, कितना? 4000 ना। तो भैया जिसके पास अपनी बीवी को बनाने के लिए अगर सोने का जेवर नहीं है, आप नागालैंड के कोहिमा में आके, ये किस्मा जो विलेज है हेरिटेज विलेज, यहाँ पे आके आप ये खरीद सकते हो। एक कोहिमा में मिल जाएगा आपको भाई सब। अगर शादी में हमारे यहाँ इसको पहन के दुल्हन आएगी ना, दूल्हा तो वैसे ही बेहोश हो जाएगा भाई, बट इट्स नाइस।
तो भाई साहब अभी मैं आपको खूबसूरत खूबसूरत मोहतरमा दिखाता हूँ। हेलो हेलो मैम, हाय, हेलो, सब्सक्राइब प्लीज, सब्सक्राइब, थैंक यू थैंक यू। तो भाई साहब देख रहे हो नागालैंड के लोग कितने खूबसूरत और कितने प्यारे होते हैं, हर किसी के साथ फ्रेंकली बात करते हैं। और ये अगर नॉर्थ की लड़कियां होती ना भाई, पहले तो भाव खाती बात करने के लिए, फिर सब्सक्राइब बोलने के लिए भी कुछ बोलती, बट ये इतने खूबसूरत इतने प्यारे कि इजिली आपके साथ बात कर लेंगे, बड़े फ्रेंडली लोग हैं यार। तो आओ कभी नागालैंड। तो अभी चलते हैं, एक मैम से पूछते हैं कि इनका प्राइस कितना कितना है। वैसे तो ये सारा का सारा लेडीज के लिए, देखिए वाह, अच्छा इधर लिखा भी है मैंने कौन सा कितना है। वाह, हाय मैम। तो अभी वो मैम लोग बिजी है क्योंकि भैया उनको अपना बिजनेस करना है, तो हम थोड़ा सा दूसरी ट्राइब में चलते, बाद में आके उनसे मिलाएंगे। और भाई साहब बड़ी खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पे आपको लड़कियाँ देखने को मिलेगी। अगर जो लोग लड़कियों को देखने के शौकीन है भाई, आ जाइए नागालैंड आपके लिए। सीरियसली बताइए, सीन को मैं काटूंगा नहीं भाई, डालने वाला हूँ। आइए ये मैं, अच्छा अच्छा एक मैम यहाँ पे अभी गन चला रही है, आइए इस मैम का एक वीडियो बनाते हैं। नहीं चला रहे गन। अच्छा फोटो खींच रहे गले, अरे मुझे लगा शूट कर रहे हैं। अच्छा शूट ये भैया कर रहे हैं, देखिए। अच्छा अंकल शूट अभी मैं कर रहा हूँ। तो भैया अभी ये गन को शूट करेंगे, मैं उसका शॉट्स लूंगा, शायद फ्लॉन्ग में भी ले लेता हूँ। यहाँ पे गन शूटिंग चल रहा है, आप कर रहे हो? असमीस, आई लव योर गमछा। लास्ट टाइम जब आसाम में थे तो गमछा बहुत लोगों ने हमको। अभी एक फायरिंग कराएंगे, वो आपको दिखाएंगे, उसके बाद चलेंगे दूसरे ट्राई में। मतलब मैं कर रहा हूं फायरिंग। हां ओके ओके, वो गन लोड हो रही ना भैया, इसके अंदर गोली नहीं भरते हैं, ये इसके अंदर बारूद भरते हैं। ओके नाइस, अभी ये गन दिखाएंगे आपको, उसके बाद बात करेंगे यहाँ के लोकल्स के साथ। तो गाइस मेरा रिकॉर्ड ऑन हो गया, तो भैया तुम्हारा भाई आज करने वाला है फायरिंग। सब्सक्राइब। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज अचन। अचान, ओके, मैंने पहली बार किसी नॉर्थ ईस्ट का नाम लिया है अचान, वो भी एक ही बार में। सीरियसली मैम कोहिमा से, तो मैम को थोड़ा बहुत हिंदी आ रही है, मैम से बात करते हैं। मैम नागालैंड के लोग इतने खूबसूरत और इतने प्यारे क्यों होते हैं? मैं बात हूँ, यही नागालैंड में है, यही है नागालैंड। नागालैंड की यही यही नागालैंड है। हाँ, ये बहुत अच्छा आंसर मैम ने दिया। ओके, मैंने पूछा कि नागालैंड के लोग इतने खूबसूरत और इतने प्यारे क्यों होते हैं, तो मैम ने आंसर दिया कि यही नागालैंड है। यानी कि अगर आपको इतने प्यारे लोग और इतने खूबसूरत लोग देखने हैं इंडिया में, तो आप नागालैंड आइए, खासकर हॉर्नबिल में आइए। या एवरीवन इज वेलकम टू हॉर्नबिल, यू कैन कम एंड विजिट हॉर्नबिल, दिस इज इट। या और बहुत खूबसूरत इनका फेस्टिवल है भाई। मैं पूरा इंडिया लास्ट ईयर मैं टोटल पूरा इंडिया कवर किया हूँ, बट सबसे प्यारा नागालैंड का ये फेस्टिवल, अभी तक मैंने और फेस्टिवल नहीं देखे हैं, बट ये सबसे प्यारा नागालैंड का फेस्टिवल। नॉर्थ ईस्ट में हॉर्नबिल है, बहुत इंटरनेशनल होता है। हाँ, पूरा वर्ल्ड का लोग यहाँ पे आते हैं। इट्स एन इंटरनेशनल फेस्टिवल दिस हॉर्नबिल, एवरीवन यू कैन कम एंड विजिट एंड एंजॉय द हॉर्नबिल। अच्छा एक चीज और, कि जो यहाँ पे लोगों का जो एज, मतलब वो काफी खूबसूरत और जवान दिखते हैं, इसका राज क्या है? इसका राज क्या है? maybe it's because of the air, maybe the weather, the environment, everything, and maybe food. Food. Yeah, maybe it's because it's not maybe, but it's all because of the organic food. The organic food we eat. Yeah, that's it. North India में लोग मिर्च नहीं खाते हैं, but फिर भी sweet नहीं होते, यानी कि अच्छे नहीं होते, मीठे नहीं होते, but Nagaland के सबसे तीखी मिर्च खाते हैं। नागा मिर्च दुनिया की सबसे तीखी मिर्च है। फिर भी आप इतने स्वीट कैसे हो? इतना तीखा मिर्च खाने के बाद भी इतना प्यारा कैसे बोलते हो? इतना प्यार से बात कैसे करते हो? What I want to say is, we Nagas, by birth, from our ancestors, we are used to eating this king chili. So we are used to it, and it's in our blood. So we are, it's just like that. Yeah, it's just like that. Maybe because of that, because of the king chili, maybe we Nagas, maybe it's like that, yeah. और बहुत अच्छा लगा मैम से मिलके, nice to meet you ma'am. And वेलकम टू माई उत्तराखंड, कभी आओ, हम आपको अपना एरिया घुमाएगा। और बाकी आपका बहुत अच्छा, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए। या एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल टू। बाय।